आज्ञा दे गुरुवर। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार रामचंद्र जी चल पड़े पाने को उपहार। आंख झपकते हो गया धनु जब चक ना चूर राज महल में हो गई प्रभु की जय जयकार प्रभु की जय जयकार प्रभु की जय वास्तव में तुम्हारा किसी से पाला नहीं पड़ा।
और कोई कुछ नहीं होगा जो तुम्हारे सामने नहीं अड़ा। अरे दोस्त, साक्षात शरारत की मूर्त अपनी जुबान भी चलाने लगा कि मेरी इज्जत और आबरू को भी मिट्टी में मिलाने लगा। वही बात हुई कि रंज की जब गुफ्तगु होने लगी, आपसे तुम से तुम होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब बिल्कुल भी कलाम नहीं। अगर एक ही बार में तेरी हड्डियां कुर्बान बना दूं तो मैं भी परशुराम नहीं। महाराज, जरा शांत हो जाइए और अपने गुस्से को थाम लीजिए। ओ विश्वामित्र, इस बच्चे के मुंह में लगाम दे और इसकी ये बड़बड़ाती हुई जुबान को थाम ले। मैं कौन हूँ इसको बता दे, मेरी हस्ती क्या है इसको जता दे। हाजी महाराज, हाजी महाराज, गुरु जी को तकलीफ देना बिल्कुल फिजूल है। आप अपनी तारीफ क्या खुद कम कर चुके हैं। लक्ष्मण, मैं समझ गया, वास्तव में विश्वामित्र भी मेरी हाथी उड़ाता है और अब दोनों चेलों का भी परशुराम को खूब आता है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक नाचता और जरा इधर हो जाओ। महाराज, आप भी गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। बच्चों की बातों का स्वामी ना किसी ने बुरा मनाया है, जे है दस्तूर जमाने का जो अब तक चलता आया है। ब्राह्मण के वेश में आते तो ये शीश भी तुम्हें चुका देता, जो रीत है क्षत्रियों की वे भी मैं निभा देता। कांधे पर बरसा देखे स्वामी क्रोध से चढ़ आया है, असली अपराधी तो मैं हूँ जिसको आपने बिसराया है। हे राम, तुम्हारे मुख के शब्द एक शीतल जल की तारा है, परंतु इसके कटु वचन एक बहता हुआ अंगारा है। तेरे शब्दों के कारण ही मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो क्रोध किया है अब तक मैं उसको वापिस लेता हूँ। तो क्या तुम जे मानते हो कि ये धनुष तुम्ही ने तोड़ा है? आपने कब अजमाया है? अच्छा, तो लीजिए दीजिए, धनुष पर कमान कीजिए। महाराज, मगर जे तो बताइए कि इस बाण को मैं किस दिशा में छोड़ूं? हे राम, जब भी ये तीर चलेगा तो ये खाली नहीं जाएगा, इसलिए इसको पूर्व दिशा की तरफ चलाएं, जिससे जो मैंने आज तक अपने पुण्य लोगों से जितने भी लोग अर्जित किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। लेकिन मेरी एक शक्ति मेरे पास रहने देना, वो है कि जब मैंने ये पृथ्वी जीती थी तो इसे मैंने अपने गुरु को दान कर दी थी, जिसके कारण मैं रात्रि में यहाँ पर विश्राम नहीं कर सकता। वो शक्ति मेरे मन की शक्ति है कहीं भी आने जाने की, इसलिए उस शक्ति को मेरे पास रहने दे और इसे पूर्वी तरफ चलाए। प्रभु, मुझे इत्मीनान हो गया और सत्य पर नाम अवतार हो गया।